अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बीएड की असाइनमेंट के वाले से जो पहली वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें आपके कुछ क्वेश्चन जो थे मैंने एड्रेस किए थे, और कुछ क्वेश्चन जो आपने दोबारा किए हैं वो वीडियो देखकर आपने कमेंट किए थे, और एक दो क्वेश्चन पहले जो आपने किया हुआ था वो रह गया था, तो उन क्वेश्चन के सिलसिले में मैंने ये दोबारा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो आपके जो आज के क्वेश्चन है इस वीडियो में वो है कि 12 बजे पूछ रहे हैं जमा करवाने की या अपने LMS पे अपलोड करने की आखिरी तारीख कौन सी है, पहली असाइनमेंट की आखिरी तारीख कौन सी है, दूसरी असाइनमेंट अपलोड करने की आखिरी तारीख कौन सी है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या दोनों असाइनमेंट्स इकट्ठी अपलोड हो सकती है कि नहीं हो सकती, और तो प्रथम कैसे ट्यूटर को भेजेंगे, तो क्या वक्त भी साथ मैंने LMS पे अपलोड भी करने हैं या ट्यूटर को वैसे हमने मेल करने हैं या आपने व्हाट्सएप या कोई पोस्ट करने हैं। और तीसरा आपका जो है जी प्लैजरिज्म के बारे में मुझे पूछ रहे हैं कि प्लैजरिज्म कैसे चेक होगा, कितने परसेंट तक प्लैजरिज्म अलाउ है, यानी कि कॉपी पेस्ट आप कितना कर सकते हैं। और आखिरी क्वेश्चन जो इस वीडियो में मैं करूंगा कि रेफरेंसेस वगैरह जो है कि जो अब मैं कंटेंट लिख रहा हूँ उसके रेफरेंस मैंने कहाँ पे देने हैं, एंड पे देने हैं, स्टार्ट पे देने हैं कि आपने कंटेंट के साथ साथ ही देने हैं। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन के असाइनमेंट अपलोड करने की आखिरी तारीख कौन सी है, तो बेटा आपको पता है आपके LMS के थ्रू भी आपको ये इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से मिल गई होगी कि पहली असाइनमेंट अपलोड करने की पहली जो आखिरी तारीख है वो है 21 फरवरी 2021। ये आपकी पहली असाइनमेंट अपलोड करने की आखिरी तारीख है, और दूसरी असाइनमेंट अपलोड करने की तारीख 18 अप्रैल 2021 है, रात 12 बजे तक आपने वो भी कर देनी है। और फिर बच्चे पूछते हैं कि सर क्या दोनों असाइनमेंट्स इकट्ठी भी अपलोड कर सकते हैं, तो बेटा जब मैनुअल आप भेजा करते थे तो तब तो ये ट्यूटर की मर्जी होती थी, तो हम तो आप लोगों को अलाउ कर देते थे कि आप दोनों असाइनमेंट्स इकट्ठी भी भेज सकते हैं, लेकिन अब क्योंकि ये LMS है तो लास्ट टाइम तो सबको इसकी ये अलाउ कर दिया गया था, लास्ट टाइम क्योंकि कोरोना की वजह से भी था, यूनिवर्सिटी की तरफ से ये जो लिंक था ये ऑफ नहीं किया गया था, लिंक हटाया नहीं गया था, तो आपकी जो सेकेंड असाइनमेंट की लास्ट डेट थी तब तक आपकी फर्स्ट असाइनमेंट वाला लिंक भी काम करता रहा था। तो ये मैं 100% श्योर प्रायोरिटी के साथ आपको ये नहीं कह सकता कि दोनों इकट्ठी जब सब आप अपलोड करेंगे तो सेकंड जो आपकी असाइनमेंट है तब तक आपका पहले वाले का भी लिंक वो काम करता रहेगा या वो हटा देंगे, तो बेहतर यही है कि आप पहली असाइनमेंट पहली तारीख जो पहली असाइनमेंट की आपकी क्लोजिंग डेट है ड्यू डेट तब तक इसको कम्प्लीट कर लें, और उसके बाद फिर सेकेंड को उसकी सेकेंड वाले के साथ कर लें। ठीक हो गया जी। दूसरा क्वेश्चन जो है पर्थ, बेटा पर्थ आपको भेजने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको अपलोड भी ना करें फिर भी काम ठीक है, अगर अपलोड कर देते हैं साथ फर्स्ट पेज पे तो अच्छी बात है, अगर ना भी करें तो ये रिक्वायरमेंट कोई नहीं है, ऊपर आपने फर्स्ट पेज पे अपना नाम रोल नंबर जरूर लिखना है, अदरवाइज पर्थ आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं है, और उसके बाद आपने पोस्ट तो किसी सूरत भी नहीं करना है, आपके पर्थ हैं बाई पोस्ट सबमिट नहीं होने हैं, अपलोड करने हैं तो कर दें नहीं तो फिर भी काम ठीक है, आप अपनी जस्ट असाइनमेंट को अपलोड कर दें। ठीक है जी। तो और आखिरी क्वेश्चन है जी प्लैजरिज्म बेटा कि आप ये आप क्वेश्चन जो कि बच्चे यूनिवर्सिटी से एमफिल या पीएचडी के बेटा ये जो बीएड की असाइनमेंट है ये कोई रिसर्च वर्क नहीं है या कोई थीसिस नहीं है तो आप इसमें प्लैजरिज्म चेक किया जाएगा, तो इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, आप चूंकि ये असाइनमेंट होती ही आपकी बुक से देकर आपने इसको लिखना है तो कॉपी करके लिखना, इसमें प्लैजरिज्म का कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। रेफरेंसेस वगैरह भी लिखने की आपको जरूरत नहीं है बेटा, रेफरेंस आपने मैंने ये कंटेंट कहाँ से लिया किस बुक से लिया वो भी आपको लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप जस्ट अपनी बुक लें, बुक से आप स्टडी करें और अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करके मुझे सबमिट करवा दें, यानी कि अपलोड कर दें LMS पे, सबमिट आपकी यही होगी, अपलोड करने के अलावा आपने कुछ भी नहीं करना है। तो आखिर में आपसे ये गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजम प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।